और यहाँ पर कितनी तादाद में वो लड़कियाँ हैं जो नाजायज बच्चे पैदा करती हैं और उसके बाद फिर उसको बेचती हैं। ये भाटी की हदूद में इसमें कितनी लड़कियाँ हैं जो कि इस तरह के घिनौना काम करती हैं? 4-5 लड़कियाँ हैं। एक माँ अपने औलाद को कैसे बेचती है? वो अब हमारी लड़कियाँ हैं, इस तरह की वो अपने घर तो लेके जा नहीं सकती, किसी और के सामने तो कर नहीं सकती, इसलिए बेचना है, साथ में उनका खर्चे चल जाते हैं। उसको खरीदता कौन है? बच्चे खरीदने वाले बहुत ज्यादा टीमें हैं। हॉस्पिटल में सेल करते हैं या ऐसी फैमिली होती है जो ले जाती है इनसे बच्चे? इनमें जो लड़की है इनके भी साथ जो लवर है ना, दोस्त वगैरह है, वो भी साथ में ही है। तो इन्होंने एक ऑफिस बनाया है, ऑफिस में वहाँ पे आते हैं तो वहाँ से जो बच्चा उन्हें पसंद होता है उसके मुताबिक उसका रेट लगता है। मतलब लड़की हो, लड़की कितने में बिक जाती है और लड़का कितने? लड़की 3 से 3.5 लाख में, लड़का 4 से 4.5-5 भी हो जाता है। हाँ, मुझसे भी गलती हुई है, मैंने भी 2 बच्चे पैदा करके सेल की है, पर अब मुझे पछतावा होता है। मैंने बेटा उस वक्त बेचा था 5.5 लाख में। 5.5 लाख हेल्दी था, प्यारा था, खूबसूरत था। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे गैंग का इंकशाफ करने वाला हूँ जो कि नाजायज बच्चे पैदा करके उसको आगे बेच देते। ऐसी ख़वातीन और ऐसी लड़कियां हैं लाहौर में जो कि नाजायज़ बच्चे पहले पैदा करती हैं, उसके बाद उसको फ़रोख्त करती हैं। एक बच्चा या बच्ची कितने में फ़रोख्त होती है? ये खातून मेरे साथ बैठी हुई है और ये सब इंकशाफ करेगी। और यहाँ पर कितनी तादाद में वो लड़कियां हैं जो नाजायज़ बच्चे पैदा करती हैं और उसके बाद फिर उसको बेचती हैं। आपने बड़े बड़े गैंग तो सुने होंगे, गदागर लोग जो हैं, झुग्गियों वाले, वो बच्चे ज़्यादा तो पैदा करते हैं लेकिन उनसे भीख मंगवाते हैं। लेकिन ये गैंग ऐसा गैंग है जो कि नाजायज़ बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं। एक बच्चा कितने का बिकता है, आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये भाटी की हदूद में, दरबार की हदूद में कितनी लड़कियाँ हैं जो कि इस तरह के घिनौना काम करती हैं? तकरीबन 4-5 लड़कियाँ हैं। 4-5 लड़कियाँ जी। अच्छा, 4-5 लड़कियाँ यानी कि नाजायज़ बच्चे पहले पैदा करती हैं जी, तो उसको उसके बाद वो बेच देती हैं? बेच देती हैं। एक माँ अपने औलाद को कैसे बेचती? वो अब हमारी लड़कियाँ हैं, इस तरह की वो अपने घर तो लेके जा नहीं सकती। अच्छा। किसी और के सामने तो कर नहीं सकती, इसलिए बेचना है, साथ में उनका खर्चे चल जाते हैं, दूसरा बच्चे की भी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है। तो उसको खरीदता कौन है? बच्चे खरीदने वाले बहुत ज़्यादा टीमें हैं। अच्छा। हाँ जी। मतलब कि कहाँ पे बेचते? ये तो जुर्म है ना, गैर कानूनी है तो जुर्म है? जुर्म है, पर ये है कि वो ये होता है कि वो बच्चा खरीद लेते हैं, कईयों को घर में ज़रूरत होती है बच्चों की, इस तरह को जो भी आता है ना कोई, तो बच्चा उसे सेल कर देते हैं। उसे हॉस्पिटल में सेल करते हैं या ऐसी फैमिली होती हैं जो ले जाती हैं इनसे बच्चे? एक अलहदा ऑफिस बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा। मेरा दोस्त है और उसके कुछ आगे से दोस्त है, उन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ है। अच्छा। इनमें जो लड़की हैं इनके भी साथ जो लवर है ना, दोस्त वगैरह है, वो भी साथ में ही है। अच्छा। तो इन्होंने एक ऑफिस बनाया, ऑफिस में वहाँ पर आते हैं तो वहाँ से जो बच्चा उन्हें पसंद होता है उसके मुताबिक उसका रेट लगता है। अच्छा, उसके मुताबिक रेट लगता जी है। मतलब लड़की हो, लड़की कितने में बिक जाती है और लड़का कितने में बिक जाता है? लड़की 3 से 3.5 लाख में। लड़की 3 से 3.5 लाख जी। और लड़का? लड़का 4 से 4.5-5 भी हो जाता है। अच्छा जी। तो खरीदने वाले इतने आसानी से मिल जाते हैं या पहले से बात हुई होती है कि पहले से करके आपको? कईयों से पहले से बात हुई होती है तो वो आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं। आउट ऑफ कंट्री भेज जी, यहाँ पे नहीं देते? यहाँ पे भी रखते हैं और आगे उधर भी भेज देते हैं। उधर भी भेज देते हैं। उनके कॉन्टेक्ट बहुत दूर तक है ना। अच्छा। तो इस तरह उनका। आपने कितने बच्चे ऐसे पैदा करके उसको इसके बाद जो है ना आपने बेच? हाँ, मुझसे भी गलती हुई है, मैंने भी 2 बच्चे पैदा करके सेल की है, पर अब मुझे पछतावा होता है। आपसे भी गलती हुई है जी, 2 बच्चे? अब मुझे पछतावा होता है। बेटी थी, बेटा? एक बेटी थी, एक बेटा था। एक माँ कैसी अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखते हैं, उसके बाद उसको पैदा करके साथ ही उसको बेच देती हैं, ज़रा सी? इसीलिए तो अब मुझे ना यही मुझे परेशानी होती है, यही मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है कि मैंने अपने बच्चे सेल किए, क्यों नहीं थे करने चाहिए मुझे। क्या क्या वजह क्या थी ऐसा काम करने? मेरे पास ज़ाहिर है घर की ज़रूरियातें हैं, कोई और तो है नहीं साथ में। पहले औलाद है? नहीं है, 2 ही बच्चे हुए थे। वही 2 बच्चे थे? 2 ही बच्चे हुए। खामन की तरह? खामन भी नहीं है अब, छोड़ दिया? छोड़ दिया। उसके बाद आपने कहा कि यही काम करना है, ये आइडिया किसने दिया?
ये आइडिया मेरे दोस्त ने दिया था, दोस्त ने दिया था ताकि उसके जो दोस्त है ना, उनकी जो दोस्त है ना इधर लड़कियाँ, उन्होंने एक दो बच्चा पहले ना सेल किया हुआ था, तो उसने उसे बोला कि आप ऐसे करो। तो मैं भी उसके कहने में आ गई, मैंने भी दो बच्चे सेल कर दिए, पर अब मुझे मेरा ज़मीर मुझे बच्चे बेटियाँ थी या बेटे? बेटी और बेटा था, बेटी और बेटा जी। अस्तग़फिरुल्लाह, मुझे अब मेरा ज़मीर मलामत करता है कि मैंने बेचा था बेटा। क्यों बेचे? मैंने बेटा उस वक्त बेचा था 5.5 लाख में। 5.5 लाख हेल्दी था, प्यारा था, खूबसूरत था। कितने साल पहले की बात है? तकरीबन 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की जी। किधर है वो बेटा? पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री है? अब इस वक्त वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, अब जिन्होंने लिया है वो ले गए हैं। और बेटी? बेटी इधर ही है। बेटी कितने की बेची है? बेटी 4 की। 4 लाख। क्या किए उस पैसे का? क्या किया? कुछ दोस्त ले गया, कुछ उसकी अयाशियाँ थी, कुछ मैंने अपने ज़रूरी। जिसका नाजायज़ बच्चा था वो ले गए? वो ले गए। उसके बाप को नहीं शर्म आई कि मैं अपनी बेटी को बेच रहा हूँ? अगर मैं माँ हूँ ना तो बाप को भी तो होता है ना कि ये मेरी इज्जत है। निकाह के बगैर इस तरह काम करना, ये तो सरासर समझ लो कि दो गज की तरह जा। हाँ, यही तो। अब मुझे इसी बात की तो मुझे अल्लाह ताला से डर लगता है, इसीलिए मैं खुदा से भी माफ़ी मांगती हूँ। बच्चे बदवाएं बदवाएं देंगी। मैं कहती हूँ कि किसी तरह मेरे बच्चे मेरे सामने आ जाए ना, तो याद आते हैं बहुत ज़्यादा। जब बेच दिए थे उसके बाद मुलाकात हुई है दोबारा जिसको बेचे हैं? एक बार मेरा बेटा मेरे सामने आया था। अच्छा। वो औरत ही इधर से गुजर रही थी, तो उसे शायद पानी वगैरह की ज़रूरत थी, तो उसने जब दरवाज़ा लॉक किया तो सामने मैं बाहर आई। मैंने उसे देखा हुआ था जब मैंने लेने वाले फैमिलियाँ होती हैं या वो भी आगे से कोई गैंग होता है? कुछ गैंग होते हैं, कुछ फैमिलियाँ होती हैं। कुछ गैंग होते हैं, कुछ फैमिली जी। अच्छा। फैमिलियाँ वो होती हैं जिनके बच्चा नहीं होता, उन्हें ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं। वो ले लेते हैं। तो गैंग वो होते हैं जो बच्चे खरीद लेते हैं और उनका पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। आपने जब आप प्रेग्नेंट हो गई थी और जब आपने एक माइंड बना लिया था कि ये बच्चा मैंने पैदा करना है, उसके बाद मैंने ये बेच दिया, उस वक्त मेरा माइंड सेल करने का नहीं था। नहीं, मेरा सिर्फ ये था कि ठीक है, अल्लाह का मुझे खुशी दे रहा है तो मैं मुझे हंस के कबूल करनी चाहिए। पर जब मेरे दोस्त ने देखा कि बेटा हुआ है तो माशाल्लाह है भी सेहतमंद और खूब। बेटा पहले हुआ था या बेटी? पहले हुआ था, बेटी छोटी थी। वो हाँ, बेटी छोटी थी। उसने वो खामोशी से सौदा किया और मेरा बेटा सेल कर दिया। कैसे आपका ज़मीर मान गया था कि मैं इसको बेच दूँ? 9 महीने पेट नहीं कि मैं खाया पिया दी। हाँ। उसके बाद जब पैदा किया, उसके बाद एक माँ का ज़मीर कैसे मानता है कि मैं अपनी औलाद को बेच दूँ? उस वक्त ना उसने बाहर सौदा किया था, मुझे बाद में पता चला था। और बेटी से तो बहुत ज़्यादा, बेटी को तो वो मुझसे छीन के लेके गया था कि मैंने इसे सेल कर देना है। मैंने उसे बोला भी था इसे ना करो, ये बेटी है। उसके बाद भी कुछ ऐसा काम किया? नहीं, उसके बाद नहीं किया। नहीं किया। दो बच्चे बेचे? दो बच्चे बेचे। इस तरह की कितनी लड़कियां यहाँ पर, जवान लड़कियां जो कि घरों से भाग जाती हैं इस तरह के काम? 4-5 है। 4-5 है। हाँ, वो मुसलसल कर रही है? मुसलसल कर रही हैं। इस वक्त भी 2-3 प्रेग्नेंट हैं। उन पैसों का क्या करती हैं वो? वो भी ऐसे ही याशियां करती हैं। हाँ। लेने वाले गैंग होते हैं? ज़्यादातर गैंग होते हैं। बाहर भेज देते हैं? बाहर भेज देते हैं, दूसरी कंट्रियों में। अब याद आती है बच्चे? जी। जब याद आती है तो क्या कर? जब याद आती है तो दिल करता है ये जगह भी दे दूँ, घर भी दे दूँ, हर चीज़ दे के अपने बच्चे वापस ले आऊँ। नशा नुशा तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी है? मांगती हूँ। मांगती हो जी। अल्लाह ताला माफ़ के अल्लाह ताला माफ़ कर दे और मेरे बच्चे शायद खुद ही मुझे मिल जाए। अल्लाह ताला आपको नेकी की हिदायत दे, अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ करे। लेकिन दुख हो रहा है मुझे कि इस तरह का भी गैंग जो है ना अब निकल आया कि अपनी औलाद पहले उसको पैदा करती हैं बच्चों को, उसके बाद उसको बेच देती हैं। जी, यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के। ये सब कुछ अब माँ कैसे कर सकती है? ये सब कुछ अब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। महंगाई है, लोग कहते हैं कि ये क्या करें, इतने बच्चों का क्या करना है। अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह। नाज़रीन, आपके सामने यकीन माने गधा घर तो मैंने सुने थे झुग्गियों वाले खाना बदोश जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, लेकिन उनका एक कारोबार होता है, वो सिग्नल पे मांगते हैं।
और बच्चों से भी भीख मंगवाते हैं, लेकिन इस तरह का गैंग मैं आज पहली मर्तबा सुन रहा हूँ कि नाजायज़ पहले बच्चा पैदा करना, उसके बाद उसको बेच देना, 3 लाख में 4 लाख में बेटी हो या बेटा हो, लेकिन एक माँ कैसे कर सकती है ये। लेकिन ये खातून ने सारी हकीकत हमें बता दी है, लेकिन इसने ये घिनौना काम अब छोड़ दिया और अल्लाह ताला से तौबा कर ली है और अपने ही 2 सगी औलाद को इसने बेच दिया। तो इस तरह के लोग भी हैं इस दुनिया में। तो ये प्रोग्राम दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।